हेलो फ्रेंड्स, मैं रुदीपिका मैडम टेक से और आज हमारे पास है ब्रांड न्यू नोकिया 5.1 प्लस। तो आइए इस वीडियो में देखते हैं नए नोकिया 5.1 प्लस के बॉक्स में आपको क्या क्या मिलता है, यानी कि इसकी अनबॉक्सिंग, और देखेंगे इसका एक क्विक रिव्यू जो इसके बाइंग डिसीजन में आपको जरूर हेल्प कर सकता है कि ये फोन आप खरीदे या ना खरीदे। तो फ्रेंड्स, ये है मेरे पास नया नोकिया 5.1 प्लस। तो ये इसकी सेल अभी अक्टूबर में ही चालू हुई है। चलिए देखते हैं बॉक्स में क्या मिलता है हमें यहाँ पर। उससे पहले हम देखते हैं कुछ हाइलाइट्स फ़ोन के जो बॉक्स के पीछे आपको लिखे मिलेंगे, जैसे कि 5.8 इंचेस की यहाँ पर आपको HD+19:9 एस्पेक्ट रेशियो वाली डिस्प्ले स्क्रीन मिलती है, और साथ ही डुअल कैमरा का सेटअप 13+5 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, और जो एक अच्छी चीज़ आपको यहाँ मिलती है वो है एडवांस्ड AI इमेजिंग, साथ ही डुअल साइट मोड। तो आइए फटाफट से बॉक्स को ओपन करते हैं और देखते हैं कंटेंट्स। आइए देखते हैं बॉक्स में क्या हमें यहाँ मिलता है। तो पहले यहाँ ऊपर में आपको ये है नोकिया 5.1 प्लस, जो कि इस बार मुझे ब्लैक कलर में मिला है रिव्यू के लिए। इसके बाद यहाँ पर आपको बेसिक से ईयरफोन्स मिलते हैं, बट एटलीस्ट मिल रहे हैं, क्योंकि इस प्राइस रेंज में काफ़ी सारी कंपनियाँ आजकल ईयरफोन्स देती ही नहीं हैं। उसके बाद हमें मिलती है सी टाइप चार्जिंग केबल और एक चार्जिंग अडाप्टर, जो कि 5 वोल्ट 2 एम्पियर का आपको आउटपुट दे रहा है। यहाँ पे है सिम ट्रे ओपनिंग पिन, और इसके अंदर है कुछ पेपर वर्क, यानी कि वारंटी कार्ड और यूज़र मैनुअल। तो फ्रेंड्स, ये है नया नोकिया 5.1 प्लस, या फिर आप इसे नोकिया X5 भी बोल सकते हैं। तो इसका डिज़ाइन मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, एक मीडियम और अफोर्डेबल सेगमेंट के बीच का ये फ़ोन है। उसी तरह के इसके एक्चुअली स्पेक्स भी हैं, पर काफ़ी बढ़िया और स्टर्डी वाला फीलिंग आता है जब भी नोकिया का नाम आता है, क्योंकि इसके डिज़ाइंस काफ़ी एडाप्टिव होते हैं, और साथ ही आप देख सकते हैं कि ये कितनी बढ़िया तरीके से हैंड में फिट होता है, ना ही बहुत ज़्यादा इसे बड़ा किया गया है ना ही बहुत छोटा है। तो एकदम परफेक्ट साइज़ है फॉर एन एवरेज हैंड, इंडियन हैंड, स्पेशली फॉर वुमेन आल्सो। तो अब बात करते हैं इसके लुक्स की। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो थोड़ा सा बॉक्सी साइज़ का पैटर्न है, बट जो एजेस हैं वो काफ़ी अच्छे से कर्वी करी गई हैं, और जो लाइंस वगैरह हैं फ़ोन की बहुत ही ज़्यादा सिंपल और क्लासी रखी गई हैं। बैक की बात करें तो एक लीनियर पैटर्न में आपको डुअल कैमरा वाला सेटअप मिलता है, और साथ ही LED फ्लैश और फिंगरप्रिंट सेंसर, नोकिया की टैगिंग, और जो एक अच्छी चीज़ है इसमें वो है एंड्रॉयड 1, यानी कि इसमें आपको मिलेगा प्योर एंड्रॉयड स्टॉक, एंड्रॉयड वाला एक्सपीरियंस, जो कि काफ़ी लोगों को बहुत पसंद होता है। यहाँ टॉप पर देखें तो हमको मिलता है 3.5 ऑडियो जैक और एक नॉइस कैंसिलेशन माइक। बॉटम में आपको यहाँ पर सी टाइप चार्जिंग पोर्ट दिया गया है, जो कि काफ़ी बढ़िया चीज़ है। स्पीकर ग्रिल भी काफ़ी स्टाइलिश फॉर्मेट में यहाँ बनाई गई है, नॉर्मल सर्कल वाला सर्कुलर फॉर्मेशन नहीं है, ऐसे रेक्टेंगुलर फॉर्मेशन में स्पीकर ग्रिल दिया गया है। और ये है माउथ पीस, इस तरफ पावर बटन और वॉल्यूम रॉकर। सिम ट्रे स्लॉट को अगर हम ओपन करके देखें तो हमें यहाँ पर मिल जाता है एक हाइब्रिड टाइप का सिम ट्रे स्लॉट, यानी कि आप दो नैनो सिम्स या फिर एक नैनो सिम और एक्सपेंडेबल SD कार्ड यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। बात करें स्क्रीन की तो कलर्स काफ़ी ब्राइट, शार्प, क्रिस्प, क्लियर हैं, और इसका जो डिस्प्ले है वो है IPS LCD 5.86 इंचेस का डिस्प्ले। एक्चुअली मैं सच बोलूँ तो मुझे 6 इंचेस और उससे ऊपर के डिस्प्ले बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आते हैं, क्योंकि ये बहुत ही एक एप्ट साइज़ होता है। फुल व्यू डिस्प्ले के हिसाब से भी जो 5.5 से 6 के बीच वाला साइज़ रहता है,
अभी इसमें आप देख सकते हो जो नॉच की फॉर्मेशन है वो काफ़ी ब्रॉड है। ये चीज़ मुझे एक थोड़ी सी खल रही है क्योंकि जिस तरह का स्क्रीन का साइज़ है उस हिसाब से मुझे नॉच का साइज़ थोड़ा बड़ा लगा। इसे और मीडियम साइज़ बनाया जा सकता था, और क्योंकि आप देख सकते हैं मोस्ट ऑफ द नॉच में एज सच इतना स्पेसिंग एम्प्टी ही है। और यहाँ ईयरपीस दिया गया है, फ्रंट कैमरा और सेंसर्स फिट इन करे गए हैं नॉच में प्रॉपरली। और जो बेजल्स हैं साइड के बेजल्स तो ठीक ही हैं, बट ये बॉटम बेजल थोड़ा ज़्यादा मुझे हैवी लगा। थोड़ा और इसे स्लिम किया जा सकता था, यानी कि इसकी चिन को थोड़ा सा पतला किया जा सकता था। यहाँ पर करीब आपको 79 पॉइंट समथिंग यानी कि 80% का आपको स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मिल जाता है, 19:9 का एस्पेक्ट रेशियो। फ्रंट और बैक दोनों ग्लास का है, तो ग्लास की वजह से यहाँ पर थोड़ा सा फिंगरप्रिंट आपको दिखेगा, बट बहुत ज़्यादा नहीं है। मैंने और भी ग्लास बैक वाले डिवाइसेस देखे हैं, बट उतना ज़्यादा ये मैग्नेट नहीं है एकदम फिंगरप्रिंट वाला, बट थोड़ा बहुत डिसेंट फिंगरप्रिंट ये ले रहा है। ऑल दो काफ़ी टफंड ग्लास है तो उस चीज़ की कोई टेंशन नहीं है। आते हैं अंदर, तो स्टॉक एंड्रॉयड वाला एक्सपीरियंस जैसे कि मैंने आपको बताया, बहुत ही क्लीन सिंपल मिनिमलिस्टिक रहता है अप्रोच जब आप स्टॉक एंड्रॉयड वाले डिवाइसेस को देखते हैं। ब्लोटवेयर बिल्कुल मिनिमाइज होता है, कुछ है ही नहीं। अभी तो आप देख सकते हैं ब्लोटवेयर ऐसा सच कुछ नहीं है। तो हमें यहाँ देखने को मिलता है रिवाइज नेम नोकिया 5.1 प्लस एंड्रॉयड वर्जन 8.1, और इसमें है प्रोसेसर ऑक्टा कोर मीडिया टेक हीलियो P60 यानी कि MT6771, जो कि काफ़ी डिसेंट प्रोसेसर है इस प्राइस रेंज में। और आप हैवी मल्टीटास्किंग और डिसेंट जो मिड रेंज वाले गेम्स होते हैं वो आप यहाँ खेल सकते हैं आराम से। बैटरी भी इसमें ठीक ठाक दी गई है 3060 mAh की, जो कि काफ़ी डिसेंट टाइम तक यानी कि एक दिन आराम से चल जाएगी, बिकॉज स्क्रीन का साइज़ आप अगर याद करें तो उतना बड़ा नहीं है, तो आपकी बैटरी सेविंग तो होती ही है। आती है कैमरा पार्ट पर, जो कि मुझे कैमरा इंटरफेस नोकिया का हमेशा से थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगता है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो आपको यहाँ यहाँ क्या क्या ऑप्शन दिए जा रहे हैं। सबसे पहले आपको गूगल लेंस का ऑप्शन दिया जा रहा है। आजकल हम सभी जानते हैं गूगल लेंस कैसे काम करता है, इट एक्ट्स लाइक अ फ्रेंड आपको चीज़ें सजेस्ट करने में। और ये है मेरा सबसे फेवरेट पार्ट नोकिया में, जो कि आपको सिंगल डुअल और PIP का ऑप्शन देता है। डुअल यानी कि नोकिया बूथी, तो हम जब नोकिया बूथ ही अगर हम इसको ऑन करें, सो ये एक तरफ फ्रंट कैमरा और एक तरफ बैक कैमरा दोनों ऑन हो जाता है। उसके बाद PIP में पिक्चर इन पिक्चर मोड। अगर बैक कैमरा के सेटअप की बात की जाए तो यहाँ पर आपको मिलता है 13 MP प्लस 5 MP का सेटअप। जो 13 MP वाला जो इसका प्राइमरी लेंस है वो F2.0 के अपर्चर के साथ आता है, और जो 5 MP वाला लेंस है वो इसका डेप्थ सेंसर है, यानी कि आप डिसेंट पोर्ट्रेट शॉट्स ले सकते हैं। और जो फ्रंट कैमरा है उसका वो है 8 MP का F2.2 के अपर्चर के साथ। तो एक बार फ्रंट कैमरा भी ऑन करके देखते हैं। फ्रंट कैमरा ऑन करते हैं, आप देख सकते हैं मैं अपोजिट हूँ लाइट के, मेरे बैक में लाइट आ रहा है, बट देन टू काफ़ी हद तक ये डिटेल्स कैप्चर कर रहा है 8 MP का फ्रंट कैमरा। और फ्रंट में भी आपको वही सारे बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो अगर हम कुछ शॉट्स की बात करें तो यहाँ मैंने कुछ शॉट्स ट्राई किए थे, तो ये एक बूथ ही शॉट है, आप देख सकते हैं सेल्फी भी डिसेंट वर्क करता है। सेल्फी में जो पोर्ट्रेट है वो सॉफ्टवेयर इनबिल्ट है यहाँ पर। तो अगर ओवरऑल इस फ़ोन की बात की जाए तो अपने प्राइस के अकॉर्डिंग यानी कि 10,999 में अब ये डिवाइस आपको मिल रहा है। सो फ्रेंड्स, ये था नया नोकिया 5.1 प्लस। होपफुली आपको कुछ आइडिया मिलेगा कि ये फ़ोन आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। यहाँ तक कि आपको इस प्राइस रेंज में शायद इसका प्रोसेसर या कैमरा कम लगे, मगर जिन्हें नोकिया इटसेल्फ ब्रांड बहुत पसंद है, साथ ही आपको इसमें एंड्रॉयड 1 मिलता है और साथ ही इसका डिज़ाइन स्लीक है, काफ़ी प्रीमियम है दिखने में, एंड्रॉयड 1 का इंटीग्रेशन आपको यहाँ मिल जाता है, तो इस प्राइस रेंज में आपको ऑनर और Xiaomi,
साथ ही एसुस के भी कुछ फोन्स मार्केट में अवेलेबल हैं, पर ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका पर्सनल ब्रांड का चॉइस क्या है। अगर इसमें से आप थोड़ा सा कैमरा को माइनस कर दें तो बाकी सब चीज़ों में नोकिया 5.1 प्लस काफ़ी बढ़िया ऑप्शन है। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टेक वीडियो में। तब तक के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू एंड बाय।